प्रथम बार लालकुआ पहुंचे हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद वाधवा का कार्यकर्ताओं ने फूलमाला और ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान श्री वाधवा ने प्रदेश में संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं से अपना अहम योगदान देने की अपील की। यहां प्रथम बार लालकुआ पहुंचे हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद वाधवा का मुख्य चौराहे पर फूलमालाओं एवं ढोल नगाड़े के साथ नगर के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष श्री वाधवा ने कहा कि आज देश में हिंदुओं की स्थिति बेहतर बनाने के लिए सभी हिंदू समाज के लोगों को एकजुट होकर आगे आना होगा और उन्होंने से स्वच्छ समाज के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का आह्वान किया। यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं को मैं एक उत्साह भरने आया हूँ, एक उत्साह वर्धन करने आया हूँ। और हमने एक सदस्यता अभियान जो बहुत जोरों शोरों से उत्तराखंड में चला रखा है और हमारी जो संख्या जो रहेगी उत्तराखंड में कम से कम 5 लाख लोगों की संख्या भी जोड़ने का हमारा विश्वास है। और लाल कुआं की जनता को मैं एक संदेश देने आता हूँ कि आप जागिए वरना बहुत देर हो जाएंगे। जिस प्रकार से मुस्लिमों की मुसलमानों की संख्या जिस तरह बढ़ती आ रही दिन प्रतिदिन, उनके जुल्म सहन हम करते आ रहे हैं, वो अब दिन आ गया है कि उनको हम जुल्म जो सहन कर रहे हैं उनको तोड़ने का हमारी भरकस प्रयास रहना चाहिए। और हिंदू युवानी एक कट्टरवादी संगठन है, हिंदुत्व के लिए योगी जी का संगठन है, कट्टरवादी हिंदू संगठन है। और हम लोग जिस प्रकार से जुल्म सतम करते आए हैं सालों से सदियों से, अब हम वो सहने वाले नहीं हैं। और हम लोग यही सोच करके सदस्यता अभियान जो चला रहे हैं वो हमारी संख्या जो रहेगी 5 लाख रहेगी पूरे उत्तराखंड में, उसी के लिए मैं आज लालकुआ में उपस्थित हुआ हूँ।